नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ सीजी का, यानी कि क्रोमटन ग्रेविस का वीएफडी कंट्रोलर। ये हमारा सोलर वीएफडी कंट्रोलर है, जिसको हम सोलर से भी और इलेक्ट्रिसिटी से दोनों से चला सकते हैं। और ये हमारा 10 एचपी का वीएफडी कंट्रोलर। तो क्या कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस है, कितना आप इस पर सोलर लगा सकते हैं, कितने इस पर पैनल लगेंगे, कितने प्राइस का आपको ये मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो मैं संग्राम सिंह, एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई पहले तो हम एक बार इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, क्योंकि अभी ये आया है और मैंने भी इसको खोला नहीं, तो आपके सामने ही मैं इसको खोलने वाला हूँ। ये इसका बॉक्स है, दोनों तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं, वो मैं आगे आपको वीडियो में भी बता दूंगा। ये इसका बॉक्स है, बड़ा सिंपल है, ब्रांडिंग नेम वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अभी हम देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, इसके बॉक्स में क्या क्या है। बॉक्स में तो कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलने वाली, बॉक्स में तो वही मिलेगा आपको सिलिका जेल, जो मैं स्पेशली दिखाता हूँ क्योंकि उसका बहुत महत्व है इलेक्ट्रॉनिक में। अगर एक भी वायर इधर उधर हो गई, चूहे ने कर दी, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये भाई हमारा हो गया ओपन। इसमें सबसे पहले तो हमारा है यूज़र मैनुअल और ये है हमारा वीएफडी कंट्रोलर। तो अभी मैं इसको बॉक्स से बाहर निकाल देता हूँ सिंपली। ये हमारा है भाई वीएफडी कंट्रोलर। यूज़र मैनुअल में काफ़ी चीज़ें टेक्निकली लिखी होती हैं, तो अगर हम आम भाषा में बात करें तो उसमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। मुझे भी ज़्यादा समझ में नहीं आता उसमें, क्योंकि मैं भी एक देसी आदमी हूँ। तो अभी देखते हैं इसके अनबॉक्सिंग। तो क्रोमटन का जो वीएफडी कंट्रोलर है उसमें कोई दो राय नहीं है, क्वालिटी बहुत बेहतर है। क्वालिटी की अगर हम बात करें तो बहुत बेहतर है। ये रहा भाई सिलिका जेल। और अभी हम देखते हैं वीएफडी, ये इसका फ्रंट है। इसकी लुक भी बहुत अच्छी है। अच्छा, ये मैंने इसमें 20 एचपी वाले में ये नट खोलना पड़ेगा, 10 एचपी वाले में भी यही है, इसमें नट आता है। तो ये नट खोलने के बाद इसमें वायर लगेंगी, सोलर की हो या आपकी इलेक्ट्रिसिटी की हो या मोटर की हो। तो ये इसकी फ्रंट लुक है, ये इसकी साइड लुक है। साइड लुक में कुछ डिस्क्रिप्शंस भी लिखी हुई हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। ये अपर लुक है इसकी, ऊपर से जिसमें फ़ैन वगैरह दिया हुआ है। ये डाउनवर्थ लुक है इसकी। और ये बैक, बैक इसकी मेटल में है, ये मेटल में दी हुई है। और ये यहाँ पर इसमें दो छिद्र दिए हुए हैं, जिनसे आप इसको आराम से कहीं पर लटका सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं इसकी इनपुट की, कि ये इनपुट क्या क्या लेगा। अब अगर हम 10 एचपी में बात करें, 10 एचपी की हमारी टोटल जो किलोवाट में जो पावर होती है वो 7.5 किलोवाट पावर होती है। तो अगर हम बात करें इसमें एसी इनपुट की, कि ये एसी कितनी लेगा, ये हमारा 3-phase वीएफडी कंट्रोलर है, 3-phase की ही मोटर चलाएगा। अब 10 एचपी का है ये, अगर आप कम की मोटर चलाना चाहें, 5 की 7.5 की, तो वो भी आप इससे चला सकते हैं। तो अगर हम इनपुट की बात करें, तो अगर हम एसी में बात करें तो वही 3-phase की इनपुट लेगा, 380 वोल्ट से 480 वोल्ट तक मैक्सिमम ये ले सकता है। सोलर की अगर हम बात करें, तो सोलर में इसको जो वीओसी देनी है आपको, एक जो एफिशिएंट वीओसी आप दे सकते हैं इसमें 500 से 700 वीओसी तक। लेकिन अगर हम मैक्सिमम वीओसी की बात करें, तो मैक्सिमम आप इसमें 800 वीओसी तक भी दे सकते हो, वहां तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आप 800 तक वीओसी इसमें देते हो तो भी इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। उसके बाद अगर हम इसकी इनपुट में बात करें, मैक्सिमम एम्पियर कितनी दे सकते हो आप, मैक्सिमम एम्पियर इस पर आप दे सकते हो 30 एम्पियर, 30 एम्पियर मैक्सिमम आप इसको दे सकते हो। अब बात करते हैं हम आउटपुट की, आउटपुट हमें कितनी देगा भाई। इसी प्रकार से इसकी जो आउटपुट रहने वाली है, अगर हम फेस के हिसाब से बात करें, तो 3-phase की आउटपुट ये देगा। 3-phase की मोटर को चलाएगा तो 3-phase ही आउटपुट देगा। मैक्सिमम एम्पियरिंग की अगर हम बात करें, तो 17 एम्पियर मैक्सिमम इसकी आउटपुट रहेगी। अब बात करते हैं हम इस पर सोलर पैनल की, हमें सोलर पैनल कितना लगाना है इस पर। देखिए, अगर आप 10 एचपी की मोटर चलाना चाहते हैं, तो मैं 10 एचपी की मोटर के हिसाब से आपको बताऊंगा इस पर कितने पैनल लगेंगे। अगर हम 335 वोल्ट के सोलर पैनल की बात करें, तो 335 वोल्ट के जो पैनल हैं, आप इस पर मैक्सिमम पैनल लगा सकते हैं 34, यानी कि 17 पैनल की आप एक सीरीज बना के, और एक 17 पैनल की एक सीरीज बना के, दोनों सीरीज को पैरेलल में लगा के आप इससे आराम से मोटर चला सकते हो। मैक्सिमम है 17 पैनल, लेकिन इसमें एक मिनिमम कंडीशन की अगर हम बात करें, तो मिनिमम आपको 15 पैनल की दो सीरीज बनानी पड़ेगी।
यानी कि 30 पैनल आपके पास होने चाहिए। और अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें कि भाई स्टैंडर्ड में आपका सही रहे ताकि ना कम रहे ना ज़्यादा रहे, तो उसमें आपको इस पर पैनल लगाने पड़ेंगे 32 पैनल आपको लगाने पड़ेंगे। 16-16 पैनल की दो सीरीज लगेंगी जिससे आपकी 10 एचपी की मोटर आराम से रन हो जाएगी। अब मैं इसमें आपको खोल के दिखाने वाला हूँ, इसका ये वाला जो हिस्सा है जिसमें हमें वायर लगानी है, तो वायर कहाँ कहाँ कौन सी लगेगी वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैं आपके सामने इसको ओपन कर लेता हूँ, ज़्यादा समय मुझे नहीं लगेगा इसको ओपन करने में। अब वायरिंग में बड़ी समस्या करते हैं लोग। मैंने एक VFD कंट्रोलर भेजा, प्लस वाला माइनस में लगा दिया, माइनस वाला प्लस में लगा दिया, तो भाई ऐसा मत करें। चाहे आप एक बार पूछ लें, मैसेज डाल दें या कुछ भी कर लें, लेकिन जल्दबाजी ना करें किसी भी चीज़ में, क्योंकि जल्दबाजी में काम ख़राब होता है। फिर वो VFD में और सेटिंग्स करवानी पड़ी उसमें, तब जाकर उसमें काम चले। तो ये हमारा ओपन हो गया VFD कंट्रोलर। तो ये यहाँ पर हमारा वायरिंग सिस्टम दिया हुआ है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया अर्थिंग का, ग्राउंड अर्थिंग अगर आप इसको देना चाहिए, इसकी अर्थिंग का है तो वो आप सबसे लेफ्ट वाले में लगा सकते हैं। उससे नेक्स्ट है प्लस माइनस और PB। प्लस माइनस का मतलब है सोलर में प्लस वाली प्लस में, सोलर की माइनस वाली माइनस में। PB का मतलब है ब्रेकिंग ऑफ रेजिस्टर्स, ये सोलर केस में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें L1, L2, L3 पावर लिखा हुआ है नीचे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की आपको जो इनपुट देनी है वो L1, L2, L3 में देनी है, क्योंकि 3 फेज का VFD है। नेक्स्ट है इसमें UVW, मोटर्स के वायर आपको UVW में लगाने हैं। उसके बाद कुछ पैरामीटर यहाँ पर दिए गए हैं, इन पैरामीटर से आप बाहर से ही इसको हैंडल कर सकते हो। जैसे ऑन करना हो, फ्रीक्वेंसी चेंज करनी हो, तो ये चीज़ें यहाँ से सेट होती हैं जो बॉक्स के बाहर लगती हैं। इसका बॉक्स भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और इसमें कौन कौन सी MCB लगेगी, कैसे MCB लगेगी साथ में, से वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद अगर हम इसके फ्रंट की बात करें, यहाँ पर डिस्प्ले दी गई है। अब डिस्प्ले पे इस पर LED लाइट्स भी आएंगी, जब ये डिस्प्ले हमारी ऑन होगी तो तब ये लाइट्स भी यहाँ पर ऑन होती है। उसके बाद यहाँ पर हमारा लिखा आता है, या तो वोल्ट लिखाएगा या एम्पियर लिखाएगा, ये और भी चीज़ें हमारी यहाँ पर लिखी आती हैं। उसके बाद बटन दिया गया है, बटन हमारा ये जो है ये रिवर्स फॉरवर्ड के बटन है, जो ग्रीन बटन है दोनों, जो पावर के वाले बटन से, जो रीसेट वाले बटन से दिया गया है। रिवर्स अगर आपको मोटर चलानी हो तो ये वाला बटन, फॉरवर्ड चलानी हो तो ये वाला बटन, आप यहाँ से इनको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा रीसेट का बटन है, अगर आप वैल्यू रीसेट करना चाहें तो यहाँ से रीसेट हो जाएगी। उसके बाद हमारा है बीच वाला जो ये है एंटर का बटन, और ये हमारा वैल्यू अप का और वैल्यू डाउन का, वैल्यू अगर अप डाउन करनी हो आपको। उसके बाद ये है हमारा शिफ्ट का, वैल्यू अगर शिफ्ट करनी हो लेफ्ट में राइट में, इनसे आपको वैल्यू शिफ्ट करनी है, ये जो दोनों बटन दिए गए हैं। उसके बाद ये जो हमारा बटन है LOC, यानी LOC का, इसमें मल्टी फंक्शंस का बटन है, अगर मल्टी फंक्शंस में आपको एंटर करना हो यहाँ से। उसके बाद ये हमारा है ESC का, ESC में आप किसी मेन्यू में आपको एग्जिट करना हो या किसी मेन्यू में एंटर करना हो, तो दोनों के लिए इसका उपयोग होता है। ये हमारा रीसेट और ऑफ का है। अब बात करते हैं हम इसके प्राइस की, इसका प्राइस क्या रहने वाला है। साथ साथ प्राइस के बाद मैं आपको इसमें बॉक्स दिखाऊंगा, इसका बॉक्स भी अलग से है। अगर आप इसको लेना चाहें तो अभी इसका जो प्राइस चला हुआ है ऑल इंडिया विद इंक्लूड डिलीवरी 28,500 का हम आपको ये प्रोवाइड करवा देंगे अभी के लिए। अगर आप इसको लेना चाहें तो हमारी वेबसाइट getpowersolution.com पर जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसका बॉक्स दिखाने वाला हूँ, अगर आप इसको लेना चाहें आप हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं, या हमारा जो नंबर दिया गया आप उस पर हमारे व्हाट्सअप डाल सकते हैं। तो ये हमारा बॉक्स है, ये बॉक्स अभी हमने फिट नहीं किया, यहाँ पे इस पे लॉक वाला बटन लगेगा और यहाँ पे इसका लगने वाला है ऑन ऑफ वाला बटन। तो अभी मैं ये से कोरियर के लिए हमने तैयार कर रखा है, ये हमने ओपन कर दिया इसको। तो अभी इसके अंदर जो सामान डाला हुआ है हमने, क्योंकि तो अभी ये हमारे कस्टमर के पास जाने वाला है, तो इसमें हमारी है ये हमारी MCB जिसमें हमारे सोलर की वायर लगेगी, और इसमें कुछ ये पॉइंट्स डाले हैं हमने ताकि मोटर की वायर के लिए, और इसमें एक डाला है हमने ये वाला बटन, ये हमारा बाहर लगेगा ऑन ऑफ वाला बटन है, और एक हमारा है इसमें लॉक वाला बटन, ये हमारा लॉक वाला पॉइंट है। तो ये है हमारे इस बॉक्स के अंदर। तो अभी ये हमारा कोरियर होने वाला है और ये यहाँ पर हमारा कंट्रोलर लगने वाला है इसमें। अब इसमें हम लगा के नहीं भेजते क्योंकि कई बार कोरियर से टूट जाती हैं, MCB वगैरह अलग निकल जाती हैं, तो फिर कस्टमर को वही दोबारा मेहनत करनी पड़ती है, तो इसलिए अब हमने इसको अलग से ही डाल के भेजने लगे हैं। तो भाई ये थी आज की वीडियो, इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।